प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये एक सर्कल दे दूं तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे? मैंने आपको कितने सर्कल दिए? आप लिख देंगे मैंने आपको दिया 1। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बराबर बराबर दो हिस्से में बांटना है, एक अपने पास रखना है, एक मुझे देना है, तब आप क्या करेंगे? आप इसे इस तरह 20 से डिवाइड ही तो करेंगे ना, इस तरह 20 से दो हिस्से में करके एक हिस्सा आप ले लेंगे, एक मुझे ले लेंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना हिस्सा लिखना हो कि मुझे इतना हिस्सा मिला, ये जो आधा हिस्सा है, मैं इसे कैसे लिखूंगी? आज हम यही चीज सीखेंगे। अगर हमें इसको बांटना हो तो हम क्या करेंगे? ये हमने इसको दो हिस्से में बांटा। जब हमें लिखना है तब हम बीच में एक लाइन कर देंगे। ये कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में। तो हम नीचे लिखेंगे 2 और इसका एक हिस्सा मुझे मिला है। कितना पार्ट? एक हिस्सा। तो जितना मुझे मिला है वो ऊपर लिख देंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे? 1/2 कि मुझे कितना मिला? 2 हिस्से में जो था उसका एक पार्ट ये मुझे मिल गया है। तो आप लोग जान गए ना। और पता है ये जो ये नंबर्स होते हैं जो कि किसी ग्रुप के जब उसको इक्वल भाग में बांटा जाता है उसके किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आज हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। अब अगर आप इसी चीज को 4 लोगों के बीच में बांटते, ये 4 बराबर हिस्से कर देते, अब हम देखेंगे कि इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए, ये एक सर्कल था और ये कितने 4 पार्ट्स में बांटा गया। अब हम सीखेंगे कि अगर किसी को इसका 1 पार्ट मिलता है तब उसे कितना हिस्सा मिला, वो कैसे लिख सकता है इसको। अभी आपको बताया कि सबसे पहले जितने पार्ट्स होते हैं हम नीचे उसे लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 नीचे लिखा 4 और उसको कितना मिला? 1 मिला इसका। तो ये हो गया 1/4। ये आप समझ गए। अब इसी चीज में अगर किसी को इसका 2 पार्ट मिल जाता, अब कैसे लिखते? हमें तो ये पता है कि पहले टोटल जितने होते हैं पार्ट्स वो नीचे लिखते हैं और जितना किसी को मिला, जितना पार्ट शेड है वो हम ऊपर लिख देंगे। ये 2, ये हो गया 2/4। अगर इसी में कोई 3 पार्ट ले लेता, अब तो आप तुरंत मुझे आंसर दे देंगे कि हम क्या करेंगे, नीचे 4 ऊपर 3 और इसको पढ़ेंगे 3/4। तो आप ये तो जान गए ना। तो ये होता है फ्रैक्शन। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि फ्रैक्शन में जो भी नंबर, अगर हम कोई नंबर है जो ऊपर हम नंबर लिखते हैं उसे बोला जाता है न्यूमरेटर, और हिंदी में उसे बोलते हैं अंश। और जो नीचे वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि हर। तो आप लोगों को आज फ्रैक्शन में ये दो चीजें तो समझ में आ गई ना कि फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जो कि किसी ग्रुप या किसी होल पार्ट को जब इक्वली डिवाइड करते हैं उनके पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एक हिस्से को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रैक्शन। दूसरी चीज, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला नंबर होगा, उसे बोलेंगे न्यूमिरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो मिलते हैं फ्रैक्शन की अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।